दोस्तों, जय मेरा फर्स्ट माइसर प्रवीण यादव फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र छत्रपति संभाजनगर। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेटाफोर्स कुछ दिनों में ही एक इतिहास रच दिया। लगभग 10,000 से 12,000 लोग इस पे से करोड़पति बने केवल 6-7 महीने में। दोस्तों, आज वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फोर्स कॉइन लॉन्च होने जा रहा है चंद दिनों में ही, और हमारा साइट भी अपडेट हो गया है। जिस तरीके से मेटाफोर्स का रोड मैप था, उसी तरीके से काम चल रहा है और बिल्कुल समय समय पर अपडेट भी हमें मिलता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हमें सब कुछ समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे यूनाइटवर्स और फोर्स कॉइन कल ही जो इवेंट हुआ उसमें उसकी जानकारी दी गई, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि बताया जा रहा था 2.0 पे हमारी साइट आ जाएगी, तो 2.0 पे साइट आ गई है। तो आज हम पूरा रेवेन्यू करने वाले हैं। आज हम सब समझने वाले हैं कि साइट पे कौन सी चीज कहाँ दी गई है। बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो हम चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। लास्ट तक वीडियो में रहना है, काफी नॉलेजेबल ये वीडियो रहने वाला है और ज्यादा से ज्यादा टीम में इसको आपको शेयर करना है। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुकेशन दिया जाए और हर एक इंसान तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इसमें हम मेटामास्क, इसमें हम ट्रस्ट वॉलेट या फिर हम टोकन पॉकेट भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ टोकन पॉकेट, जो कि काफी इजी लगता है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा एरर ट्रस्ट वॉलेट में फिलहाल आ रहा है। फास्ट सर्विस के लिए आप भी, मैं चाहूंगा आप टोकन पॉकेट यूज करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर। हमारे स्ट्रक्चर में जाने के लिए हम ब्राउजर को डिस्कवर को क्लिक करेंगे। टोकन पॉकेट में ये डिस्कवर नाम से आता है और यहाँ पे हम डालेंगे मेटा छोटा डैश फोर्स डॉट स्पेस, इसको इंटर जैसे ही हम करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाएगा। ये हमारा साइट है, कुछ इस तरीके का इसमें भी बदलाव किया गया है। इसका पहले मैंने आपको वीडियो दिया है, जैसे कि हम हमारे जो रोड मैप है उसके हिसाब से ही हम आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको कर लेंगे लॉगिन। हम टच कर लेंगे मेटामास्क को। यहाँ पे जैसे हम लॉगिन होते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें बदल गई है। चलिए एक एक चीज को हम समझते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि यहाँ पे जैसे कि ये लोगो चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं ये लोगो पहले नहीं था, पहले कुछ अलग लोगो आता था, लेकिन अभी इस तरीके का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, यहाँ पे सामने प्रोफाइल आपको दिख रहा है, ये प्रोफाइल है। यहाँ पे ये हमारे वॉलेट का एड्रेस है, यहाँ पे अपलाइन का आईडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है हमें सबसे खास बात हमारा पॉलीगॉन, यहाँ पे दिख रहा है डाई, यहाँ पे दिखेगा हमें फोर्स कॉइन और यहाँ पे दिखेगा हमें एसएफसी ओल्ड। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन हमें मिल जाता है, लैंग्वेज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज है। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम अभी डैशबोर्ड में है। तो चलिए तीन लाइन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन लाइन को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे कि यह फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे फोर्स कॉइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माई टीम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकेडमी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हेल्प दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका लिंक, कॉपी लिंक यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। फोर्थ सिस्टम को जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेक्टाइल जो क्लासिक था उसका नाम कर दिया है टेक्टाइल। यहाँ पे हमारे क्लासिक के जो स्लॉट है, आपने जितने बाय किए हैं वो पूरे यहाँ पे येलो में दिखाता है, जो नहीं बाय है वो ब्लैक में दिखाता है। लगभग 11 स्लॉट मेरे यहाँ पे हो गए हैं। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे दिखता है रॉयल्टी एनएफटी। रॉयल्टी एनएफटी के जो स्लॉट है यहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाते हैं।
कुछ इस तरीके के ये स्लॉट है, जितना लेवल आपका अचीवमेंट हुआ है उतना लेवल यहाँ पे येलो दिखते हैं और बाकी ब्लैक में दिखते हैं। यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिलता है यूनाइटवर्स, यूनाइटवर्स के जो स्लॉट है हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिलते हैं। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये पूरे ब्लैक हमें दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन को और ऊपर लेके जाएंगे और समझेंगे नीचे क्या दिखता है। देखिए एनएफटी क्लासिक यहाँ पे हमें दिखेगा, फिर जो भी है ये कमिंग सून में है, तो ये आगे जैसे हम चलेंगे धीरे धीरे हमें ये पता चलेगा। मेटावर्स कमिंग सून में है, ये भी हमें आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का ये साइड में बदलाव हुआ है। अभी यहाँ से फिर से हम अगर लैंग्वेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश, रशियन, कैनेडन, ऐसे तीन चार लैंग्वेज यहाँ पे दी है, हिंदी भी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। तो चलिए फिर से हम क्या करेंगे, हम जाएंगे तीन लाइन के ऊपर, तीन लाइन को जैसे क्लिक कर दिए हम जाएंगे फोर्स कॉइन के ऊपर। फोर्स कॉइन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है फोर्स कॉइन विल अपेयर या सून, मतलब ये अभी प्रोसीज में है, जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर से तीन लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और हम जाएंगे माई टीम में। माई टीम में दोस्तों क्या दिखता है, आपके पार्टनर कितने हैं वो पार्टनर यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे पूरी लिस्ट उनकी आ जाएंगी, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर से तीन लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एकेडमी। एकेडमी में आपसे कोई अपडेट आपको नहीं मिला है या रह गया है तो यहाँ पे सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से आप वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिर से तीन लाइन को हम क्लिक करेंगे, तीन लाइन को जैसे क्लिक कर दिया तो नीचे जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में हमें फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से चूज फोटो, अगर आपने फोटो नहीं लगाया है तो यहाँ से आप फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने फोटो लगाया, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे आपका वो फोटो आ जाएगा। फोटो लेते समय एक चीज का ध्यान रखना है, काफी सारे लोगों ने बताया कि सर फोटो अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फोटो का जो साइज है वो कम चाहिए। मान के चलते आपको एक आधा फोटो डालना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको स्क्वायर में कट करें और फिर आप उसको सेट कर सकते हैं। अगर साइज ज्यादा है फोटो का तो हमें दिक्कत यहाँ पे आती है। तो चलिए ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल गया है। चलिए हम फिर से तीन लाइन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेल्प में जाएंगे। हेल्प में यहाँ पे क्या दिखता है थोड़ा सा हम देख लेंगे, ओपन हो रहा है यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट। यहाँ पे हेल्प में आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ पे मिल जाता है आपको हेल्प में। ठीक है, एक बार फिर से हम तीन लाइन को क्लिक कर लेते हैं। तीन लाइन को जैसे हम क्लिक करेंगे, लोगों को क्लिक किया तो सीधा हम लॉगआउट हो गए। फिर से हम साइन अप करेंगे, मेटामास्क को क्लिक कर लेंगे। ये कंफर्म पूछ रहा है सिग्नेचर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। चलिए पासवर्ड मैच हो गया है, फिर से हम आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कॉपी लिंक, कॉपी लिंक को जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक यहाँ से कॉपी हो जाएगा, लेकिन कुछ एरर अभी यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा जो लिंक है उसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सर्च बाय फोर्स आईडी का ऑप्शन हमें मिल जाता है, यहाँ से लॉगआउट का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। अभी कुछ शायद बैकग्राउंड में काम चल रहा है उसके कारण वो कॉपी नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये धीरे धीरे सब कुछ मतलब पहले जैसा हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम तीन लाइन को क्लिक कर देंगे और होम पर आ जाएंगे। होम पर कुछ इस तरीके का होम हमें दिख रहा है। अभी ये शायद टैब का स्क्रीन बड़ा है तो हमें फोटो आधा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हमारा लिंक कॉपी हो जाता है। अभी एरर यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में काम चल रहा है। अभी नीचे यहाँ पे हमारे जो डायरेक्ट में जो लोग है, जो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पे रिसाइकल वगैरह जो भी अपडेट हो रहा है वो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। तो फोर्स सिस्टम मोर इन्फो, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी भी हमें मिलेंगी। देखिए फोर्स सिस्टम यानी हम हमारे मेन स्ट्रक्चर पर चले जाते हैं, यहाँ पे सभी चीज़ें हमें क्लियर दिख रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सभी चीज़ें साइट के बारे में क्लियर हो गए भी। कुछ कुछ अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफर्स।
कि दोस्तों साइट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कुछ सवाल आपके बाकी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप है उसमें भी आप भेज सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह टेक्निकल है, बस सीखते रहना है, सिखाते रहना है और कमाते रहना है। देखिए दोस्तों, काम करो ऐसा कि रोज आए पैसा, कोई पूछे कैसा तो बताओ मेटाफोर जैसा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय मेटाफोर्स।